अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ग्रेट फोर। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चलें जी, कल मैंने आपको कुछ ई साइंस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, आपका यूनिट नंबर 2 से प्लांट का टॉपिक पढ़ाया था। प्लांट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने एक्सप्लेन किया था एक ही चीज़ को, रूट्स को। तो आज हमारा स्टेम का टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या पढ़ा था। तो चलें चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। देखें ज़रा, हमने कल पढ़े थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमारे पास होते हैं, टू मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आता है। रूट सिस्टम में हमारी रूट्स होती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, और शूट सिस्टम में हमारे पास फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्रूट बड आ जाता है, या फ्लावर बड आ जाता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो रूट्स होती हैं उसके 5 मेन फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है कि वो प्लांट को एंकर करता है, प्लांट को पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता। उसके बाद ये वाटर और मिनरल्स को प्लांट तक लेके जाता है। उसके बाद जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो भी स्टेम में लेके जाते हैं। उसके बाद जो है वो जितनी भी फूड होती है जो कि स्टेम में बन रही होती है, जो लीव्स बनाते हैं, वो स्टेम से रूट्स में आ जाती हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो एक फूड को भी स्टोर कर सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूट पढ़ी थी, जिसमें टैप रूट एंड फाइब्रस रूट आती हैं। टैप रूट वो रूट्स होती हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ज़मीन के सेंटर की तरफ मूव करती हैं, और बिल्कुल पतली सी होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। और फाइब्रस रूट पड़ा था जो स्प्रेड आउट हो जाती हैं, जिनका कोई भी सेंटर नहीं होता, वो हर जगह पे फैल जाती हैं, जैसे कि ग्रास वगैरह। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है स्टेम के बारे में। अच्छा जी, स्टेम के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेम हमारे पास ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा नहीं होता। अब स्टेम करता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाती हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद स्लाइड से पढ़ाऊँगी। अच्छा जी, स्टेम हमारी एक प्लांट की हेल्प किस तरह से करता है। अच्छा जी, स्टेम में देखें, अब हमारे पास लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को कौन मैनेज कर रहा होता है, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कौन कर रहा होता है, स्टेम। अगर हमारे पास एक मेन पार्ट नहीं होगा तो क्या लीव्स एक जगह पे रुक सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या फ्रूट्स उसके ऊपर लग सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे पास स्टेम नहीं होगा तो ना ही हमारे पास लीव्स बन सकेंगे, और ना ही हमारे पास फ्लावर्स आ सकते हैं, और ना ही फ्रूट्स बन सकते हैं। उसके बाद जो स्टेम होता है वो सनलाइट की रोशनी की तरफ मूव करता है। जहाँ जहाँ पे सनलाइट की रोशनी होगी वहाँ वहाँ पे हमारा स्टेम जो है वो मूव करेगा। इसलिए हमारा जो स्टेम है वो ज़मीन के ऊपर की तरफ मूव करता है, ज़मीन से नीचे की तरफ मूव नहीं करता, टुवर्ड्स द सनलाइट मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब स्टेम के कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं। अब उन फंक्शंस में क्या है, सबसे पहले कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब ज़रा पीछे वाली पिक्चर पे आ जाएं, यही पिक्चर। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो स्टेम होता है, स्टेम, ये जो ये स्टेम आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेम क्या करता है, ये रूट्स में से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ ले जाता है, और ऊपर की तरफ लेके जाता है तो सारे के सारे लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में ये लेके जाता है मिनरल्स और वाटर्स को। उसके बाद मतलब ट्रांसपोर्ट करता है उसको। उसके बाद आगे वो कह रहा है सपोर्ट लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। ये लीव्स को, फ्रूट्स को और फ्लावर्स को सपोर्ट करता है। किस तरह से सपोर्ट करता है, जैसे कि अगर हम लोगों ने छत पे जाना हो तो हम स्टेयर से चढ़ के जाते हैं ना, सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं। अगर सीढ़ियाँ नहीं होंगी तो क्या हम छत पे जा सकेंगे, या सीढ़ियाँ गिर जाएं तो क्या हम छत पे जा सकते हैं, हम भी गिर जाएंगे, स्टेयर्स भी गिर जाएंगी, और हम छत पर भी नहीं जा सकते। इसीलिए इसी तरह से जब स्टेम नहीं होगी तो ना तो लीव्स बन सकेंगे उसके ऊपर, ना फ्रूट्स लग सकेंगे, ना ही फ्लावर्स लग सकेंगे, और ये सपोर्ट करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक दरमियान में स्टेम होता है जो कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। उसके बाद फूड स्टोरेज, ये जो स्टेम होता है इसमें फूड की भी स्टोरेज होती है। ओवरऑल मैं आपको एक बार बताऊं तो पूरे का पूरा जो हमारा प्लांट होता है उसमें फ़ूड की स्टोरेज होती रहती है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि रूट्स में भी फ़ूड की स्टोरेज होती है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टेम में भी फ़ूड की स्टोरेज होती है। स्टेम में फ़ूड की स्टोरेज कैसी होती है, वो वाला वाटर और वो वाले मिनरल्स जो कि रूट्स
ऊपर की तरफ भेजती हैं, वो पहले स्टेम में ही जाते हैं। तो स्टेम ने आगे लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को फूड देना होता है। जब तक स्टेम में फूड स्टोर नहीं होगा तब तक वो आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम्स। अब हमें देखना है कि हमारी जो स्टेम है उसकी टाइप्स कितनी हैं। स्टेम की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, वीक स्टेम्स होते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेम्स का तो आपको समझ आ गया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। वीक स्टेम्स होती हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं, अंडरग्राउंड जो कि ज़मीन के नीचे होती हैं। अब ये जो थर्ड चीज़ है ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़ करेगी, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि स्टेम्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम इसकी टाइप्स में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट ज़रा देखें स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। स्ट्रॉन्ग स्टेम्स कौन कौन सी होती हैं? दीज आर थिक, स्ट्रॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू मूव। ये जो स्टेम्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं, मोटी मोटी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, किसी से हिलाई नहीं जा सकती हैं, डिफ़िकल्ट टू मूव, और इनको हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये ज़रा देखें, ज़रा ये आपको स्ट्रॉन्ग स्टेम बताया हुआ, मतलब जितने भी हमारे पास बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, बड़ी बड़ी दरख्त होते हैं, उनके स्टेम्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपको स्टेम्स नज़र आ रहे हैं, ये पपाया ट्री का, नीम ट्री का। आप खुद भी गूगल पे सर्च करें और कुछ ऐसे ट्रीज़ के नाम लिखें जिनकी स्टेम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वीक स्टेम्स कौन से होते हैं। दीज आर थिन, लाइट एंड ईजी टू मूव। ये बहुत पतले होते हैं, पतले पतले स्टेम्स होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं और इनको मूव करना बहुत ईजी होता है। ये देखिए ज़रा यहाँ पे, ये गन्ने का दरख्त, ये गन्ने लगे हुए हैं, इनके जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, इनको हम एक ही कुल्हाड़ी मारें तो ये सारे टूट जाते हैं। अब यहाँ पर देखें ये अनियन की स्टेम है, और देखें अनियन ज़मीन के नीचे लगा हुआ है और उसके ऊपर ये इसके सारे स्टेम्स हैं, और ये बहुत पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं, और हम इसको इजीली खींच के तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद बीन प्लांट देखें, बीन प्लांट जिसमें चने लगते हैं, जो ग्रीन वाले चने होते हैं बीन प्लांट के, वो ये भी जो होती हैं हमारे पास स्टेम वीक्स होती हैं, इनको हम एक ही झटके में उखाड़ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टेम्स भी हमने देख ली, वीक स्टेम्स भी देख ली। अब हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन सी होती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स वो वाली होती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं। अब हम कहते हैं ना कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो ज़मीन के नीचे फल वगैरह देती हैं, जैसे कि फल हो गया या सब्ज़ी हो गई, जैसे कि पोटैटो है। पोटैटो अब ज़मीन के नीचे उगता है। अब पोटैटो पूरे का पूरा पोटैटो तो हम उसको रूट्स नहीं बोल सकते ना। अब ये देखें ज़रा यहाँ पे एक जिंजर है, ठीक है, जिंजर का पौधा है। अब इसका इतना जो हिस्सा है, जिंजर का जो इतना हिस्सा है, इतना ये सारे का सारा जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है। ये जो जिंजर होती है ये ज़मीन के नीचे होती है, लेकिन ये जो छोटे छोटे बाल लगे हुए हैं ना, असल में जो अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं वो ये वाली होती हैं, ठीक है। जब इन रूट्स के ऊपर से ये निकलना शुरू हो जाते हैं ना जिंजर, तो ये स्टेम बन जाता है और इसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। ये जो बाल होते हैं ये ज़मीन के नीचे होते हैं, बाल जो होते हैं वो रूट्स होती हैं, लेकिन जो ये वाली पूरी चीज़ होती है ये हमारी अंडरग्राउंड स्टेम कहलाती है। अब सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये भी हमारी स्टेम्स होती हैं जो ज़मीन के बाहर होती हैं। एक इसमें हमारी एग्जाम्पल आती है जिंजर की, पोटैटो की और कॉर्न की। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, इसको बहुत अच्छे से जो है वो समझेंगे और घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल न्यू टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।